वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तृप्ति सक्सेना और आज हम बनाएंगे लौकी की मिठाई। तो हमारी लौकी की मिठाई आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लौकी की मिठाई बनाना। तो उसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है एक बार देख लेते हैं। एक कप पीसी शक्कर, एक कप खोया जो कि घर का बनाया हुआ है, आप बाहर से भी ले सकते हैं, एक कप पानी, ये मिक्स फ्रूट एसेंस, ये ऑप्शनल है, आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं बट ऑप्शनल है ये, आप डालना चाहें तो डालें। ये मैंने रेड कलर लिया हुआ है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहें तो, ये दोनों चीजें ऑप्शनल हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया हुआ है ये गरी का बुरादा, 6-7 किशमिश और 1 टेबलस्पून मैंने लिया हुआ है बारीक कटा हुआ बादाम। ये मैंने ली हुई है लौकी और इसे मैंने इस तरीके से गोल गोल काट लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, आधे आधे इंच के टुकड़ों में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लौकी की मिठाई बनाना। लौकी की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम ये लौकी लेंगे, ठीक है, और एक ये लेंगे नाइफ यानी कि चाकू। तो चाकू से हमें इस लौकी को कैसे काटना है, आप ये देखिए, इस तरीके से हम घुसाएंगे और इसके चारों कोनों में इस तरीके से हम इसको खाली करेंगे, यानी कि इस तरीके से मतलब राउंड शेप में। ये देखिए, ये मैंने कर लिया और इसी तरीके से हम बैक साइड भी कर लेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। तो इसके हमें एक रिंग्स रेडी करना है। क्या करना है, इसको प्रेस कर देंगे हल्के से तो ये निकल आएगा। ये देखिए, इसको मैं हल्का सा प्रेस करूंगी इस तरीके से तो ये आसानी से बाहर निकल आएगा। तो ये मैंने इस तरीके से पूरा रिंग आप देख सकते हैं खाली कर लिया है। तो इसी तरीके से हम सारे रिंग बना लेते हैं। और मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ, जो मैंने पहला तरीका बताया था। और दूसरा तरीका ये कि आप इस तरीके से रख लेंगे और इस तरीके से नाइफ को एंटर करेंगे और राउंड शेप में काटते चले जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी और आपके हाथ में भी चाकू भुकने की संभावना कम होगी ही नहीं। तो दोनों तरफ से लेकिन आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत जरूर है इस मिठाई में लेकिन बहुत प्यारा लगता है इसका प्रेजेंटेशन भी। और इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये सारे सर्किल आप इस तरीके से रेडी कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारे रिंग्स रेडी कर लिए हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये है कि अब हम इसमें डाल देंगे ये खोया, जो कि घर का बनाया हुआ खोया है। तो इसे एक बार हम फिर से गरम करेंगे और अच्छे से इसको एक बार भून लेंगे बहुत अच्छे से। इसे हमें अच्छे से एकदम भून लेना है, एकदम ब्राउन ब्राउन सा हल्का हल्का कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है ये, घर के बनाया खोए की तो बात ही अलग होती है। जितना घी, बहुत ज्यादा घी भी पड़ा हुआ है जो कि सारा निकल आएगा, इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। मैं ज्यादातर बाहर की चीजों को अवॉइड करती हूँ और घर में ही मिठाई और बहुत सारी चीजें बनाती हूँ, क्योंकि घर का बनाया हुआ खोए की बात अलग होती है और बाहर के खोए में वो लोग कुछ ना कुछ तो ऐड जरूर करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर के खोए को अवॉइड करती हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से हम इसे अच्छे से भून लेंगे, कितना सॉफ्ट है ये। और आप ये देखिए कितना सारा घी भी निकल रहा है। तो हमारा ये खोया रेडी हो गया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसे ठंडा करते हैं। और जब तक हमारा खोया ठंडा हो रहा है तब तक हम इसकी जो सिरप है वो बना लेते हैं। तो हम इसी कढ़ाई में ही इस पानी को डाल देंगे, क्योंकि घी का ही पानी है, कोई और पानी तो है नहीं। तो इसी कढ़ाई में मैंने ये पानी डाल दिया और इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। सिंपल तरीके से हमें क्या करना है कि शक्कर हमारी घुल जाए, बस इतना काम करना है और कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी शक्कर इसमें डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से शक्कर हमारी घुल जाए और ये मीठा पानी रेडी हो जाए, यानी कि शुगर सिरप हमारा रेडी हो जाए। बस हमें इतना ही काम करना है। तो ये शुगर सिरप बनाने के लिए हमने इसमें शक्कर ऐड कर दी है। तो आप देख रहे हैं ये एसेंस, तो ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर।
अगर आपके पास कोई भी एसेंस हो, केवड़ा है या इलायची है, आप उसको भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर, तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ 2-3 ड्रॉप्स। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी आपके पास कलर है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें कलर तो डालें, नहीं डालना चाहें तो मत डालें। तो फ्रेंड्स हमारी शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो हमने गैस को बंद कर दिया है और ये जो हमारे रिंग्स हैं, ये सारे रिंग्स हम इसके अंदर डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। तो हमें ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही पकाना है। तो इस तरीके से हम डाल देंगे सारे रिंग्स और इसको इसी के अंदर पड़े रहने देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, जिससे कि सारा कलर भी इसके अंदर आ जाए और अच्छे से ये गरम पानी में यानी कि चाशनी में पक भी जाएंगे और मीठे भी हो जाएंगे। जब तक हमारे रिंग्स चाशनी के अंदर हैं, तो हमारा ये जो खोया है ये ठंडा हो चुका है, गुनगुना मतलब हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे शुगर, तो ये शुगर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए, एकदम से मत ऐड करिए। उसको अच्छे से मिला लेंगे, खूब अच्छे से इस शुगर को मिला लेना है। बाकी शुगर भी डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे ये गरी का बुरादा, किशमिश और ये बारीक कटे हुए आलमंड्स, पर ये हमें थोड़े से बचा लेने हैं। और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये फ्रेंड्स ये मिठाई जब आप बनाएंगे और किसी के सामने भी रखेंगे तो वो एक पीस तो उसके लिए कम पड़ेंगे, वो हो सकता है 2-3 पीस खा लें। तो ये देखिए, तो ये मेरा खोए का पेस्ट जो कि रेडी हो गया भरने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो रिंग्स हैं ये पूरे अच्छे से रेडी हो गए हैं और ये गल भी गए हैं। ज्यादा हमें नहीं गलाना है, नहीं तो ये स्टफिंग करने में टूट सकते हैं। तो आप देख सकते हो और बहुत ही प्यारा कलर आया है, कलर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो खोए की स्टफिंग मैंने तैयार की ये भी ठंडी हो गई है अच्छे से। तो चलिए अब हम इसके अंदर इसकी स्टफिंग फिल कर देते हैं और फिर इसकी सुंदर सी गार्निशिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आराम से हमें ये काम करना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं पेड़ा बना करके और इसके अंदर यूं फिल करती जाऊंगी। तो ये आगे भी है आप जैसा कि देख सकते हैं और ये पीछे साइड भी है, तो दोनों साइड से हमें इसको फिलिंग कर देनी है अच्छे से। इसी तरीके से हम सारे रिंग फिल कर देंगे। आप रक्षाबंधन वगैरह में इस मिठाई को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये मिठाई बहुत ही इजी भी है और बहुत जल्दी भी बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप किसी के सामने भी रखेंगे तो बहुत ही अलग टाइप की मिठाई है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम सारे इसी तरीके से फिल कर देते हैं। तो ये देखिए आपकी सारी मिठाई जो है लौकी की कितनी सुंदर लग रही है और अच्छे से रेडी हो गई है। देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है और सारी मिठाई हमारी रेडी हो गई है। और इसमें आप गार्निशिंग के लिए ऊपर से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप बादाम भी लगा सकते हैं जैसे कि मैं लगा रही हूँ, और नहीं तो आप इसमें किशमिश भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आप जो ऐड करना चाहें या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं।
और आप इसको बहुत ही मन से खा सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये घर की बनाई हुई मिठाई है, तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी किसी को भी। बहुत ही अच्छे से लोग इसको खाएंगे मन से। तो अब हम इस मिठाई की कर देते हैं एक सुंदर सी प्लेटिंग। प्लेटिंग करने के लिए हमने ले ली गुलाब की पंखुड़ी, और इस तरीके से आप ये रोज पेटल्स रखते जाएंगे। देखिए, आप प्लेटिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से हम मिठाई रखते जाएंगे। बहुत ही आराम आराम से आप रखिए मिठाई, बहुत ही प्यार से। और उसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे, तो फ्रिज में ही थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है ना, तो ये जल्दी से ये टाइट हो जाएगा, तो ये अच्छा लगेगा। तो हम वन बाय वन इस तरीके से पीसेस उठाते जा रहे हैं और रखते जाएंगे। थोड़े से गुलाब हम इधर बीच में सेंटर में इस तरीके से रख देंगे, और ये रख दी मैंने जिस तरीके से। आप देख सकते हैं हमारी लौकी की मिठाई रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी बनाई हुई लौकी की मिठाई पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि पहली रेसिपी का पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आसानी से आ सके। बाय।